लिखिए आप लोग, नॉमिनल जीडीपी, इट रेफर्स टू जीडीपी एट करेंट प्राइसेस। इट इज दी इट इज दी मार्केट वैल्यू, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। Only current year prices are taken in estimation of nominal GDP. Quantity produced into prices prevailing during the accounting year. लिखो उसको। देखो नॉमिनल का मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये मोबाइल फोन जो आप हम लोग यूज करते हैं, क्या हर साल इसकी कीमत एक ही जैसे रहती है या बदलती रहती है? मोबाइल फोन्स की कीमत हर साल चेंज होती रहती है या एक ही रहती है? या चेंज होती रहती है। उसी तरह से मार्केट में जो साग सब्जी है वो उसकी उसका कीमत भी हमेशा चेंज होते रहता है। पिछले साल हो सकता है कि सब्जियां महंगाई इस साल के मुकाबले सस्ती कम रही हो, चीजें सस्ती हो इस वजह इस साल हो सकता है कि कीमत बढ़ गई हो। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि तुम जीडीपी को कैलकुलेट करते हो, लेकिन कंडीशन ये होता है कि तुम जिस साल का जीडीपी निकालोगे तुमको उसी साल के मार्केट रेट के हिसाब से निकालना होगा। जैसे मान के चलो 2020 में मान के चलिए कोई देश है जिसके यहाँ टोटल गुड्स का प्रोडक्शन मान लो चलो 100 मोबाइल फोन से टोटल उसके इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, और एक मोबाइल फोन की कीमत कितनी है, रेट से 1000 रुपये, ठीक है? तो उसका जीडीपी कितने का हो जाएगा, 1000 और 3 0, दैट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है? 2021 में क्या होता है, उस कंपनी ने फिर से 100 मोबाइल फोन बनाए, देश में 100 मोबाइल फोन हुआ, लेकिन इस साल से कीमत बढ़ के 2000 रुपये हो गई, तो इसका जीडीपी कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए, ठीक है? तो यही होता है। फिर उसी तरह से मान के चलो 2015 का कोई रेट देखा जाए, उस साल भी अगर कोई सर्टेन रेट से अगर 50 मोबाइल फोन बनाई होती कंपनी, उस साल रेट अगर 500 होता तो उस टाइम पर जीडीपी कितनी हो जाती, 25,000 की। तो ये तुम देख रहे हो कि जीडीपी का जो वैल्यूएशन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, हम जिस साल का अकाउंट जिस साल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल के मार्केट रेट से मल्टीप्लाई करके निकाला जा रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यही कहलाता है तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जिस साल का तुमको जीडीपी पता करना है, तुम उस साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी उनका मार्केट रेट क्या था उस रेट से मंगा लो। रेट से मान के चलो कोई देश है जिसके यहाँ एसी बना, फ्रिज बना, जितने सामान तुम सोच सकते हो सब सामान को बना के बेचा जा रहा है मार्केट में, तो हर साल में हर गुड्स की एक ना एक प्राइस रही होगी, हाँ या ना? अगर 5 साल यस पहले सर। हर साल में जो प्रोड्यूस मार्केट में सामान बिक रहा है हर साल सबका रेट तो चेंज होगा ना, तो तुम जिस साल का जीडीपी निकालना चाह रहे हो उस साल में वस्तु उन गुड्स का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही है तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को ये? नहीं, नहीं ना का मतलब यस हाँ ही सर। होगा। ठीक, गुड। सही अब आता है रियल पढ़ा। जीडीपी। नहीं, एक बार और नहीं, तुमको क्या पॉइंट एग्जैक्टली समझ है उनको ये बताओ। सर उसका सर गुड्स का वैल्यू निकालने वाला नॉर्मल जी।
मल्टीप्लाई कर देना है। मोबाइल फोन खरीदे 10 रुपए का, लेट से 1,000 रुपए का, तुम 15,000 का एक मोबाइल फोन खरीदे, तुम कोई आज मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हो, उसका मार्केट में कीमत है 15,000 रुपए, ठीक है। इकोनॉमी में क्या होता है, जीडीपी क्या होता है अंशु, अंशु रिशु, जीडीपी क्या होता है? सर, इंडिया का सर हाँ इंडिया का क्या? फुल फॉर्म बताइए। नहीं तुमको जो जो जितना बातें पता है जीडीपी बारे में सब बताओ। जीडीपी के बारे में तुमको जितनी जानकारी है सब बता दो हमको आज। सर बता रहा है ग्रॉस सर माइक ऑफ करके बता रहा है। अंशु वीडियो ऑन करो अपना, रिसु सॉरी रिसु वीडियो ऑन करो तो अपना, वीडियो क्यों ऑन करें? तुम ऑन करो ना 1 मिनट के लिए। हाँ सही मिनट ऑन कर रहे हैं, हेडफोन लगाने से। ये चौबे चौबे जी भी साथ में बैठे हैं क्या आपके? चौबे जी आप भी ऑन कीजिए। चौबे यस जी, चौबे जी आप भी ऑन कर लीजिए। सर हम अपने घर पे हैं सर। अच्छा तू अपने घर पे हो, ओके ठीक है रिसु। तो जीडीपी के बारे में क्या क्या जानकारी है तुमको, सारी जानकारी बताओ। सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है बस इतना ही जानते हो जीडीपी के बारे में और कुछ नहीं? सर, जानते हैं सर इंडिया इंडिया का सर, अगर कोई भी इंडिया में अगर इनकम होता है अच्छा तो सर, अगर सर इंडिया में जितना भी इनकम होता है उस जीडीपी को। वो थोड़े होता है, जीडीपी का मतलब होता है इंडिया में किसी भी देश में, ठीक है। हाँ माइक ऑफ कर दो, खचर पचर नहीं होना चाहिए रिसु, माइक ऑफ कर दो अपना। हाँ तो सुनो ध्यान से, जीडीपी का मतलब होता है एक देश में एक साल के अंदर टोटल कितना गुड्स और टोटल कितना सर्विसेज टोटल बना या लोगों को दिया गया, समझे कि नहीं समझे? जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो सामान बना रही होंगी, बहुत से बैंक है जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक साल में टोटल कितना प्रोडक्शन आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेट होता है एक साल में, कितना बना, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं बोलूं कि मेरे यहाँ 10 कंपनियां हैं, ठीक है, रिलायंस है, टाटा, इस तरह से मान के चलो 10 कंपनियां हैं, इन सारे लोगों ने मिलके 1 लाख करोड़ सामान टोटल बनाया, ठीक है। तो जीडीपी कितना जाएगा, वो जो 1 लाख करोड़ सामान है वो क्वांटिटी है। 2020 में अगर मैं 2020 का जीडीपी निकालूंगा, 2020 में लेट से 1 लाख करोड़ सामान टोटल हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, तो उनका मार्केट वैल्यू क्या होगा, मतलब हर वो अलग अलग प्राइसेस की जो कीमत होगी तुम उससे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा जीडीपी आएगा। नहीं समझ रहा तो फिर से देखो, यहाँ पे देखो आउटपुट मान के चलो क्या होता है, लेट से इंडिया है, इमेजिन करो मैं मोबाइल, मेरे यहाँ मोबाइल फोन का प्रोडक्शन होता है 100, ठीक है, और सारे अलग अलग प्राइसेस से जाने रहो, लेकिन एक एवरेज प्राइस ले लेते हैं 1,000 रुपया, ठीक है। एसी भी बना होगा, कार्ड्स भी बने होंगे, बाइक्स भी बने होंगे, ईटीसी ईटीसी सारा सामान बना होगा, तो तुम ये देखोगे कि एक साल में टोटल कितना एसी बना, लेट से एक साल में 500 एसी बनता है, ठीक है, हर एसी की कीमत है लेट से 1-2 हज़ार रुपये। उसी तरीके से लेट से कार बना, कार लेट से हम अगर निकालते, 1 मिनट जो, लेट से 500 कार भी बनता है, हर कार की कीमत लेट से 10,000 रुपये होती है, मतलब करेंट रेट। ये अगर 2020 का निकाल रहा हूं मैं, तो 2020 में मोबाइल फोन का रेट क्या है, अगर 2021 का निकालूंगा तो 21 में किस रेट पे वो मार्केट में निकला, वो जैसे जीडीपी कितना हुआ ये कब पता चलता है, साल के लास्ट में पता चलता है कि हमने एक साल में कितना सामान बेचा, ठीक है, बनाया। इसी तरीके से बाइक भी है, और बाइक का भी लेट से रेट निकाल लो, कुछ भी लिख लो अपने से 2,000 रुपये। ये जो 1,000 रुपये 2,000 है ना, ये मार्केट प्राइस है, ठीक, 2021 में आउटपुट ऑफ इंडिया है। 2000 देखो, 2020 का जो साल एंड होगा वो मार्च में खत्म होता है, 21 मार्च को, तो 1 अप्रैल को तुम देखोगे कि हमने 2020 में टोटल कितना आउटपुट बनाया, ठीक है, और हर आउटपुट का मार्केट रेट क्या था, तुम उसे मल्टीप्लाई करके सारे वैल्यू को जोड़ दोगे, वो जीडीपी होता है तुम्हारा। अब समझे रिसु जीडीपी क्या होता है, यस टोटल कितना सामान बना, ठीक है। तो जीडीपी को निकालने का दो तरीका होता है, एक नॉमिनल वाला तरीका जिसमें मार्केट रेट में लेते कि मार्केट में बिक किस रेट से रहा है, जिस रेट से जो सामानें बिक रही होंगी उनको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उनका जितना उत्पादन हुआ है उनके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी, ठीक है।
अब इसी का जस्ट उल्टा होता है रियल जीडीपी। अब जीडीपी सर, बोलो। जीडीपी में जैसे आप बताए सर फोन और कार मतलब वगैरह सर, बहुत तो उसका हर सिंगल चीज जिसका भी प्रोडक्शन हो रहा सारे है या का अलग अलग सर्विस हो रहा जीडीपी सर, सारे का अलग अलग जीडीपी निकलता है, एक ही में निकल है। जाता नहीं है नहीं एक साथ निकाल दिया जाता है जीडीपी में। क्या ग्रॉस ग्रॉस मतलब तुम सब जोड़ दो टोटल इकोनॉमिक एक्ट। देखो देश इकोनॉमिक एक्टिविटी से चलता है। इकोनॉमिक यस सर। एक्टिविटी समझते हो ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो हम पैसा कमाने के लिए। तो एक पैसा कमाने के लिए आता, तो जैसे मैं पैसा कमाने के लिए क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स सर्विसेज का जनरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हमने मिलके सामान गुड्स बेचा सर्विसेज दिया, इन सभी का कंबाइंड टोटल जब तुम कर देते हो तो तुम्हारा जीडीपी निकल कर आता है। कि हमारी अर्थव्यवस्था में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना चल रहा है उसका वर्थ कितना है। और इसका मतलब जो इकोनॉमी जितना ज्यादा जीडीपी होगा उस देश के यहाँ लोग उतना ज्यादा कमा रहे होंगे, उस कंपनियां उतनी ग्रो कर रही होंगी, उस गवर्नमेंट को टैक्स उतने ज्यादा मिल रहे होंगे, और उसको वो विकसित डेवलप भी माना जाएगा ना फिर, वो जिसकी जीडीपी जितने ज्यादा होंगी। समझे कि नहीं समझे। सर आप लोग को टैक्स लगता है क्या? टैक्स लगता है जिसका इनकम 5 लाख से ऊपर लगता है, मेरा नहीं है। मतलब टैक्स तो बचाने के बहुत उपाय होते हैं, 7 लाख रुपए तक चला जाता है, उसके ऊपर लगता है टैक्स। हम लोग तुमसे अगर तुमसे जब मेरा अगर टर्नओवर 20 लाख रुपए हो जाएगा तो तुम लोग को फीस में तुम लोग का जीएसटी भी मैं काटूंगा फिर अलग से 20% हर महीने के फीस में 1200 रुपया। तो अब आ जाओ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, लिखिए। इट रिफर्स टू जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। ठीक है, इट रिफर्स टू जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एज एस्टिमेटेड इन द बेस ईयर। फॉर्मूला सबका सेम ही होता है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइसेस विद इन ड्यूरिंग बेस ईयर। अब यहाँ पे बेस ईयर और रियल ईयर का कंसेप्ट आता है, उसको समझाता हूँ क्या होता है ये। करंट क्यों है सर, क्या हुआ करंट क्यों है? अरे लिखवा रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, लिखो। इसको आवाज नहीं आ रहा है। लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट होता है। जिज्ञासा आवाज आ रही है आपकी, नहीं आ रही है? ठीक, हाँ सर आ रही है। मेरे तोते उड़ गए। चलो ये डायग्राम इंसर्ट कर देता हूँ, तुम लोग को आसानी होगा समझने में।
फिर डिजाइन बना देते हैं उसमें। दोनों में लगे। हाँ सॉरी ये लोहा डालो। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले ब्लू लेना। हाँ सबको सबको लिखना है, सीबीएसई को लिखना ही लिखना है, यारवुड वाले भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो लिखना नहीं, इसके लिए जगह छोड़ देना, रफ में ही लिखना, फिर मत लिखना। देखो रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी होता है, इसमें हम मार्केट हर साल का प्राइस नहीं लेते हैं, किसी एक साल का प्राइस को ले लेते हैं और हर साल उसी साल के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे मान के चलो मैंने क्या किया, एक बेस ईयर ले लेते हैं। बेस ईयर मतलब उस साल के रेट को ही हर साल के रेट में लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी 2021 चल रहा है, मैंने क्या किया, मेरे इकोनॉमी में मुझे जीडीपी का प्राइसेस निकालना था, ठीक है। मेरे इकोनॉमी में मोबाइल फोन बने, एसी बने, फ्रिज, गाड़ी, कार्स, जितनी चीजें तुम सोच सकते हो सारे चीज इमेजिन कर लो, ठीक है। अब क्या करो, 2016 में सबका रेट पता कर लो कि 2016 के रेट क्या थे। अब जो 2016 में वो सामान जिस रेट पे बिकेगा, तुम 2017 में भी वही रेट यूज करोगे, 2018 में भी वही रेट यूज करोगे, 2019 में भी वही यूज करोगे, 2020 में भी यूज करोगे, 2021 में भी यूज करोगे। आउटपुट तुम जो भी बना रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस क्या रहेगी, एक साल एक रेट ले लिया जाएगा, हर साल उसी रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको कहते हैं रियल जीडीपी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट, ये बदलता नहीं है। नॉमिनल जीडीपी बदल रहा था, हर साल का अलग अलग रेट था, हर साल में गुड्स की कीमत अलग अलग चेंज हो जाती है। रियल जीडीपी में हम वैसा नहीं करते हैं, एक रेट ले लेते हैं, हर साल वही रेट हर साल में लगेगी। ये बात समझे आप लोग, रियल जीडीपी यहाँ पे प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे। फायदा क्या होता अभी समझाऊंगा, पहले ये बात समझ में आ गया, रियल जीडीपी और नॉमिनल। नॉमिनल में जो सामान जिस साल में बना रहे थे हर साल की उसकी मार्केट प्राइसेस ले लो। ऑब्वियस बात है, अगर मार्केट प्राइस की बात करोगे तो मार्केट प्राइस तो हर साल चेंज होगा, लेकिन रियल जीडीपी में ऐसा नहीं किया था। रियल जीडीपी में एक रेट, किसी एक साल का रेट ले लो, अब हर साल उसी रेट से कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये नॉमिनल जीडीपी का एग्जाम्पल है, याद रखना नॉमिनल जीडीपी हम किस पे करते हैं, मार्केट प्राइस पे। क्या हाँ तुम देखने आ रही है, देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ देखो 2011-12 का रेट था, उसमें गेहूं का प्रोडक्शन हुआ 20 टन, क्लॉथ का हुआ 100 मीटर, शुगर हुआ 5 टन। तो 2011 में गेहूं किस रेट पे मिल रहा था, 100 पर टन, क्लॉथ 5 पर मीटर, शुगर 500 पर टन। तो देखो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा, 20 × 100 ये हो गया 2000, 100 × 5 500। इसी तरीके से 2011-12 में जीडीपी मेरी कितनी है, 5000, समझे, ये एग्जाम्पल समझे। अब देखो 2018-19 का रेट निकाला गया, उस साल रेट कितने थे, ऑब्वियस बात है मार्केट प्राइस रेट चेंज हो गया, आउटपुट उतना ही हुआ, 20 टन, 100 मीटर, 5 टन। अब प्राइसेस लेकिन तो चेंज हो जाएंगे ना, 11-12 में सस्ते थे, 18-19 में महंगा हो गया। अब देखो 1000 रुपये हो गया, जो चीज 100 मिला वो 1000 में हो गया, जो 500 था वो 20 में हो गया, जो 500 में था वो 1600 हो गया। तो अब देखिए जीडीपी चेंज हो गई कि नहीं हो गई, हाँ या ना, दिख रहा है कि नहीं, सारे लोग एक ही करके हाँ 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 करके बोलो बारी बारी से, हाँ 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 करके सबके बोलो। राहुल समझे कि नहीं, फिर से बताइएगा, फिर से बताइए सर, ये प्राइस प्राइस थोड़ा बता दीजिए कैसे कर। अरे एक बार बताओ, एक नहीं तो माइक ऑन करो चौबे जी, आप माइक ऑन करेंगे चौबे जी, ऐसे नहीं आप करेंगे आप। देखिए एक बार बताओ, कोई सामान तुम खरीदे थे आज से 8 साल पहले, तो वो 8 साल वाला रेट में आज भी बिकेगा क्या, आया ना, नो सर, रेट चेंज हो गया होगा, ऑब्वियस तो महंगा हो जाएगा, सस्ता तो होने का कोई चांस है नहीं, yes, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे रेट चेंज हो गया, पहले 100 में बिका था, अब 1000 में बिक रहा है, yes, जो 5 पर मीटर मिला था वो 20 पर मीटर में मिला, yes, तो मान के चलो तुम 1 मीटर कपड़ा खरीदे 5 रुपए में, तो 100 मीटर कितने में खरीदे, टोटल 500 में, 500 में। गेहूं 1 टन खरीदे 100 रुपए में, तो 20 टन कितने का होगा, 2000 रुपए में। इसी तरीके से तुम्हारे यहाँ टोटल इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन हुआ और जो उनके प्राइसेस थे, तुम उसे मल्टीप्लाई करके वो जीडीपी निकाली कि नहीं निकाली, 5000। उसी तरीके से 18-19 का भी जीडीपी निकाली हम, 30000। यस सर। तो ये जीडीपी निकाला गया किस पे, ये तो मार्केट रेट पे निकाला गया ना जीडीपी, ये तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा, ये नॉमिनल मेथड होता है। नॉमिनल मेथड में हमेशा मार्केट प्राइस भी आता है, लेकिन जो रियल जीडीपी होता है यहाँ पे देखो रेट 100, 5, 500, और रेट यहाँ पे देखो 18-19 में भी वही रेट लिया गया है,
ठीक है, प्राइस को चेंज नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनल जीडीपी में अगर तुम्हारे यहाँ आउटपुट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीडीपी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये देखो। yes, जो टोटल सामान का प्रोडक्शन था वो जो देखो 20 टन है, 100 मीटर से 5 टन है, 18-19 में भी उतना ही हुआ, लेकिन जीडीपी फिर भी ज्यादा हो गया कि नहीं हो गई? yes, आप तो ध्यान से सुनना, जीडीपी ज्यादा हो गया, लेकिन क्या ये जीडीपी, देखो अगर कायदे से देखा जाए तो जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है कि देश और इकोनॉमिक ग्रो हुआ होगा, लोगों को और जॉब्स मिले होंगे, रोजगार मिलना चाहिए था। क्या यहाँ पे रोजगार बढ़ा? क्योंकि क्वांटिटी तो नहीं बढ़ रहा है ना यहाँ पे। अगर मान के चलो 20 टन की जगह पे 100 टन हो जाता, तब कंपनियां अपने यहाँ ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखती, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता, है ना? लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो कि जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। अरे जीडीपी इसलिए बढ़ा क्योंकि तुमने मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया था। जीडीपी इसलिए नहीं बढ़ा कि लोगों को जॉब मिल गया, रोजगार मिल गया, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल गया, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी से सही जीडीपी नहीं पता चलता है। नॉमिनल जीडीपी से तुम ये नहीं कह सकते हो कि देश में लोगों को जॉब्स मिल गया, रोजगार मिल गया, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। लेकिन अब आ जाओ रियल जीडीपी के मेथड पर आ जाओ। रियल जीडीपी में हम प्राइस को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, प्राइस में कोई चेंज नहीं करते हैं। अब जीडीपी कब बढ़ेगा? जब तुम क्वांटिटी ज्यादा बनाओगे। yes, आया ना? yes, देखो 20 टन बनाए थे, अब यहाँ पे देखो जीडीपी 5000 है, अब यहाँ पे कितना जीडीपी बढ़ के हो गया 9000। प्राइस की वजह से नहीं बढ़ा, ये किस वजह से बढ़ा है? क्योंकि मैं सामान ज्यादा बना रहा हूँ। जब तुम जब ज्यादा बनाओगे तब ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखोगे, ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगे, ज्यादा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे। अब ना कह सकते कि देश का तरक्की हुआ, यहाँ पे तो फर्जी था ना, ये तो फर्जी तरीका हो गया था। अब समझे नॉमिनल और रियल जीडीपी का कंसेप्ट। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड सबसे बेस्ट है, किसको ही यूज किया जाता है? आंसर होगा रियल जीडीपी। ठीक है, यस यस, गुड, बहुत बढ़िया। आज तो लग रहा है सर एकदम, आज तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बन जाएंगे। मोदी जी को फोन करके बता देंगे, मोदी जी थोड़ा सा जीडीपी वीडीपी साथ देखते रहिए, चेंजेस कम हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम लोग बहुत जल्दी समझ गए। चलिए चलो अब आता है, तो एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या अगर कोई इकोनॉमी अगर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से जीडीपी निकाल ली, अब अगर हम नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना चाहें या रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या उसका कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है। ठीक है, लिखते हैं कन्वर्शन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंटू, अच्छा ये सब बिहार बोर्ड में कन्वर्सन वर्सन नहीं आने वाला, ठीक है, तो आप लोग बस तिल मार के लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं मिल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी वाला बात रख लेना, और अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो हर वो चीज लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। कन्वर्शन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी एंड वाइस वर्सा। रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करेंट प्राइस, या इसको क्या बोलोगे तुम, नॉमिनल जीडीपी भी बोल सकते हो, और कर दो और नॉमिनल जीडीपी। यार ये ये बट्टा तो सेंड कैसे दूं यहाँ पे, बटे बड़े भाई प्राइस इंडेक्स, अंडरलाइन यहाँ पर हो ही रहा था, एक मिनट जाओ, थोड़ा सा डिजाइनिंग में गड़बड़ी हो गया है। डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ये होता है। ठीक है, ये
सारा वैल्यू ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है एक मार्क में, एक से दो मार्क में, तो सीबीएसई बच्चे इसको याद करेंगे। ये सारा फिगर तुमको दिया रहेगा, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, एक वैल्यू होती है, इस साल का तुम जीडीपी निकालना चाह रहे हो उस साल का इंडेक्स एक वैल्यू दिया रहता है, वो फिक्स रहता है, ये प्राइस इंडेक्स की वैल्यू फिक्स रहती है, गवर्नमेंट इसको फिक्स करके रखा रहता है, ठीक है। और इसी से हम कन्वर्ट करते हैं डेटा को, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दूंगा, और उसी तरीके से यहां से तुम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर कर लोगे तो देखो, अगर तुमसे पूछेगा तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके भी तुम निकाल सकते हो, देख लो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय यही होता है तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब इसे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, सॉल्व क्या करो तुम सब मतलब बिहार बोर्ड में आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना बाद में। बाकी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ये पेज नंबर निकाल लो आप लोग, पेज नंबर शायद चेंज भी हो गया हो, 62 पेज नंबर है ऐसे जो बुक मेरे पास है, इसमें क्वेश्चन है मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में भी लिख लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर 2011 में जीडीपी 100 करोड़ का है और 2019 में कितना है 200 करोड़ का है एट करेंट प्राइसेस, प्राइस इंडेक्स कितना है 100 टू 400 है, जीडीपी को कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी में, तो रियल जीडीपी क्या होगा, रियल जीडीपी सॉरी क्या बोला क्वेश्चन यहाँ, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर है कन्वर्जन करने के लिए, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कन्वर्ट करो किस साल का 2019 का, 2019 का इंडेक्स वैल्यू आपको कितना दिया है 400, तो जीडीपी कितना हो जाएगा 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 400, मतलब क्या नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, यही हमारा फॉर्मूला था, इससे निकल जाएगा कि नॉमिनल जीडीपी को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, रियल जीडीपी में, ठीक है। ऑब्वियस बात है देखो कितने का फर्क पड़ गया, नॉमिनल वैल्यू आ रही थी जीडीपी के 200 और जो वास्तव में निकाला गया रियल जीडीपी से कितना है 50, इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी एट करेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, तो इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को डाल के यहां पे कन्वर्ट कर लिए तो आपका आपका क्या निकल कर आ गया, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। इसी तरीके से नॉमिनल जीडीपी पूछेगा, देखो जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हो फाइंड नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इज इक्वल टू 240 प्राइस इंडेक्स, तो नॉमिनल इक्वल टू क्या हो जाएगा रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है नॉमिनल की वैल्यू हमेशा रियल से ज्यादा आती है, तो लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे नॉमिनल की वैल्यू 288 आ गई, मतलब समझ आ गया आप लोगों को, सिंपल सिंपल एक लाइन का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये आता है, ये कन्फर्म आता है। सीबीएसई बोर्ड में मैं कर रहा हूँ कि 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन ये पहले तीन चार चैप्टर से आएगा, अभी एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम का, ये वो भी वो है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, उससे 6 मार्क का कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखोगे तो कुकर की तरफ सिटी बजता है फर्स्ट टाइम देखने में, ठीक है। तो मैं ज्यादा आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो आप लोग आज के लिए इतना ही रखो, इसको प्रैक्टिस करो हर हाल में, बेसिक चैप्टर 1 चैप्टर 2 और ये चैप्टर 3 भी, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे बेसिक टर्म्स को अच्छे से याद कर लो, सब में क्या फॉर्मूला होता है क्या इक्वेशन होता है उसको भी याद कर लो, और हम लोग इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, उसमें करीब मैं आप लोग से 70-80 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा लाइव क्लास, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट होता है वो। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक ये है, मतलब एक और लास्ट टॉपिक उसका क्लास खत्म हो जाएगा, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लेना है पर, ओके एक स्क्रीनशॉट ये ले लो, यहाँ पे इलस्ट्रेशन है जो। सर न्यूमेरिकल्स कितने मार्क आता है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में तुमको न्यूमेरिकल आएगा करीब 15 मार्क के आसपास का आएगा।
आगे में दो तीन चैप्टर हैं। मतलब मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं इकोनॉमिक्स का, यार इकोनॉमिक्स में भी ना दो बैच हो जाएगा फिर, इंडियन इकोनॉमी अलग से पढ़ाना होगा, माइक्रो भी अलग से पढ़ना होगा। तो अगर मैं माइक्रो पढ़ाऊंगा तब तो सीबीएसई वाले बच्चे बैठेंगे, आप बीएसटी रिवाइज करोगे ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो पढ़ना है नहीं, लेकिन चाहो तो पढ़ना तो पढ़ सकते हो फ्री में। माइक्रो अगर जो नहीं पढ़ा वो फ्री में पढ़ ले, कोई तो दिक्कत नहीं है मुझे, मतलब एग्जाम में तो ऑब्वियसली बातें नहीं आएगा, लेकिन पढ़ाना है मुझे वो, नहीं तो फिर आप लोग बीएससी का क्लास रिवाइज करना। फिर इसी तरीके से क्लास में माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी में क्लास में स्विच करता रहूंगा। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा यहाँ पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लूं, हाँ अल्टरनेट ही लूंगा सर। इसका क्वेश्चन अच्छा से नहीं दिख रहा, क्या ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? इसका क्वेश्चन सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, क्वेश्चन यही है ये, देखो एग्जांपल यही क्वेश्चन है तुम्हारा, सही रेफरेंस वाला ये रहा एग्जांपल, फाइंड नॉमिनल जीडीपी ऑफ रियल जीडीपी इज इक्वल टू 240 एंड प्राइस इंडेक्स 120। यस सर, आ गया आ गया आ गया। चलो तो इसको आप लोग सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। हाँ बोलो सर, अगर इंडिया का रियल में अगर जीडीपी निकाला जाए तो उसमें नॉमिनल अकाउंट से निकाला जाता है या फिर रियल? नहीं नहीं, रियल से, हर कोई रियल से यूज करता है। तो नॉमिनल का क्या काम? नॉमिनल एक कांसेप्ट है कि जीडीपी को दो तरीके से निकाला जा सकता है, इस तरीके से नहीं निकालना है, इसके लिए बस बता दिया गया हुआ है। मतलब पहले कांसेप्ट दोनों तरीके से आए थे कि भाई दोनों है, लेकिन प्रैक्टिकल उपयोग सिर्फ रियल जीडीपी का होता है, कांसेप्ट तो दोनों है तुम्हारे। महंगाई पता कर सकते हो कि कितना का परसेंटेज चेंज हो गया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो ये नहीं होगा, मतलब तब गवर्नमेंट उसको ये नहीं बोलेगी कि हम जीडीपी बना दिए। देखो गवर्नमेंट जब पब्लिक डोमेन में आती है, पब्लिक के पास जब वो अनाउंसमेंट करती होती है, जब इतने सारे इकोनॉमिस्ट हैं, तो पब्लिक एक्चुअल फिगर जानना चाहती है। गवर्नमेंट वो महंगाई जानने के लिए अपने इंटरनल कैलकुलेशन के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए उपयोग कर ले, लेकिन पब्लिक वो जब जनरल पब्लिक को बताएगी, उनके सामने बातों उनके पॉइंट्स को रखेगी, तब आपको रियल जीडीपी से ही जाना पड़ेगा ठीक है। नहीं तो फिर लोग फिर आपका क्या बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट फेक है, झूठ बोल रही है। तो इसी तरीके से मतलब फॉर द रियल पर्पस, फॉर द रियल एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, इसीलिए रियल को ही यूज किया जाता है। चलो ठीक है, तब आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। और बाकी सारे स्टूडेंट लोग फीस जमा करो। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। लिंक लिंक लाऊं रे, सर चल गए सर जी, जाओ सब छुट्टी हो। हेलो विशु, हेलो, क्या हाल है? हेलो हेलो, बोलो ना। एसकेएस कौन है? एसकेएस तू मैं तो और कौन है? ठीक है जाओ।